वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई साहब बहुत ठंड है यार, आज बहुत ज़्यादा ठंड है सच में। हो, मैं तो प्लान कर रहा था कि कोई क्या, अपने पास एक ही गाड़ी बची है, आप सी वी आर के अलावा कोई दूसरी गाड़ी को हाथ लगा नहीं देता है। ऐसे दिन आ चुके हैं पता है मेरे, बोल गया तो सी वी आर ले जाओ या तो कार लेके जाओ। मैंने कहा ठीक है यार, अब सी वी आर भी कार से कुछ कम है नहीं। एनीवे फिलहाल मैंने मेरे कार को कोल्ड स्टार्ट कर लिया है, और कोल्ड स्टार्ट एक्चुअली मैं कार को भी करता था पहले से ही करता था। मुझे पता था कि इंजन में पूरी तरह से ऑयल फ्लो होने के लिए कुछ समय का टाइम देना चाहिए जब आप दिन की पहली बार आपकी व्हीकल स्टार्ट करते हो। बट कभी कभार चल जाता है कार में अगर आपको अर्जेंसी हो तो, बट सुपर बाइक में ऐसे नहीं चलता। सुपर बाइक में आपको कोल्ड स्टार्ट करना ही पड़ता है, अगर आप वैसे ही बाइक को निकालोगे ना तो बाइक के धज्जे उड़ जाएंगे। एनीवे वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग पता है मैंने कल ही स्टार्ट किया था, बट कल उसे प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं दे पाया, सो आज हम उसको डायरेक्ट कर देंगे। कल का जो भी व्लॉग है ना आप फ्लैशबैक में देखते जाओ, मैं उसको नैरेट करते जाऊंगा, आप फ्लैशबैक में देखते समझते जाओ। यार इतना स्लो चलेगा तो कैसे चलेगा भाई, हट जल्दी। इसको ओवरटेक करके मैं आगे भी नहीं जा सकता क्योंकि मुझे लेना है यहाँ से राइट टर्न। अल्लाह ये भी राइट ही जा रहा है, पता नहीं लोग इन मौके पे क्यों हाथ देते थे यार, ये जमाने का रीत है एन मौके पे हाथ देना। समझ रहे हो आप साहब, हाई फाई लेट हो गया मैं, हाई फाई इट्स ऑलमोस्ट 4:30। चले ना मुझे पासिंग करवानी थी, पिछले वीक से मैं इसे पोस्टपोन करते जा रहा हूँ। प्रथम सर को बोला जल्दी निकलो, लेट कर दिया। अब मैं आ रहा था जो रोड से, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, ऐसा लग रहा है सारे नांदेड़ को ना इन्होंने एक ही बार कंस्ट्रक्शन फेज में डाल दिया। और थी मेरे पास कार तो ऑब्वियसली लेट तो होना ही था, अब बंदे को ढूंढना पड़ेगा, होप सो कि आधे घंटे में काम हो जाए। अबे यार गाड़ी, ये पता है एक बार मैं दिखा चुका हूँ और बोल रहे कि दोबारा लेके आओ, एंड द सेम थिंग हैपेंस जो 12-15 साल पहले हुई थी जब मैं R15 लेके गया था RTO में पासिंग के लिए। 15 साल पहले ये नहीं था कि आपकी व्हीकल शोरूम में ही पासिंग हो जाती, आपको व्हीकल ले जानी पड़ती थी। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे R15 खड़ी की, ऑब्वियसली 15 साल पहले R15 आप सोचिए, मतलब सारे लोग देखने लगे यार कैसी बाइक है, कौन सी बाइक है। और RTO भी अच्छा खासा यंग था उस समय, तो बंदे ने पासिंग करी, चेजिस नंबर देखा और बोलता है चाबी दिखाना। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, लिटरली सेल्फ मार के निकल गया राउंड लगाने का। वाह वाह, मुझे इस बार भी यही उम्मीद थी। इस बार RTO ठीक ठाक एजेड था, ठीक ठाक इट्स ऑलमोस्ट 40 के आसपास होंगे। और उन्होंने बाइक देखी, बोलते हैं कि इस बाइक को चलाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती होगी। फिर कुछ और बातें हुई, पूछा क्या करते हो क्या नहीं, ब्ला 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 ब्ला। फिर उन्होंने बोला बेस्ट ऑफ लक, आई से थैंक यू। अच्छा लगता है जब किसी चीज़ की वजह से हमें लोग ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं। ये रहा डीबी किलर जो मैं निकाल के ले आया, मतलब एक्चुअली निकाला हुआ था, लगा के ले आया था। RTO जाना है भैया, रिस्क नहीं लेना है। एंड विदाउट डीबी किलर ईच एंड एवरी एग्जॉस्ट इज इलीगल। डीबी किलर होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट विदाउट डीबी किलर ईच एंड एवरी एग्जॉस्ट इज इलीगल, याद रखो। ओए, क्या दिखती है पता है, लाल परी खड़ी अपनी गजब। एंड ये जो मैंने फिल्म लगाई है ना मेरे विंडस्क्रीन को, आई थिंक इट्स वर्थ इट। थोड़ी विंडस्क्रीन छोटी है जो स्टॉक एग्जॉस्ट की होती है, वो कंपेरेटिवली MRA एंड प्यूक ऑब्वियसली थोड़ी छोटी है, बट फिलहाल काम चला लेंगे। जो भी मेरा जानकार था उसने बोला कि सर आपका काम हो चुका है। मैंने स्पेसिफिक नंबर के लिए डिमांड करी, इट्स नॉट VIP नंबर बट स्पेसिफिक नंबर है। उसने बोला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो आज मॉर्निंग में भी मैंने उसे कॉल करा, मैंने पूछा कि आप मेरा आने का काम है क्या, तो बोलता है नहीं सर, अगर काम पड़ता है तो मैं कॉल करूँगा, अदरवाइज आप वहीं से जो भी आपका टैक्स वगैरह पेड कर दीजिएगा, नंबर का भी काम हो जाएगा। सो दैट वॉज द डे। उसके बाद मैं और आरव गए हेयर कट के लिए, वहाँ के पार्किंग में भाई ट्रैक्शन कंट्रोल ने सही काम किया। अगर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होता ना कल मैं CBR लेके गिर जाता, अगर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ भी होता तब भी मैं गिर जाता। तो मेरी ये होशियारी थी कि मैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ही रखता हूँ, जिस दिन से मैंने व्हीकल लिया ना उस दिन से मैं ऑन ही रख रहा हूँ। 4 सिलेंडर है ना, 650 cc है। ओह यार ये मोस्ट एम्बेरेसिंग फीलिंग होती है पता है, जब कोई आके पूछता है ना, ये थोड़ा सा शाइनेस आ जाता है यार। अब आता है तो आता है भाई, मेरा नेचर ऐसे ही है। बाय मिस्टेक
हॉर्न बजा दिया मैंने, मेरे को ही शर्म आ गई। इतना चुन्नू सा हॉर्न कौन देता है वैसे? पीक पीक क्या क्या इसको फायरिंग सुनाओ। अरे इतने सारे को बुलाया बस तो भैया अब हम सिटी में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पीछे बैठा है हमारा नन्ना मुन्ना दोस्त और वो भी विदाउट हेलमेट, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। अब हेलमेट इसलिए नहीं है क्योंकि बंदा ट्यूशन से आया, कुछ मेरा कंफर्म था नहीं कि मैं सीबीआर लेके आऊँगा या स्कूटी लेके आऊँगा। वैसे तो स्कूटी पे भी हेलमेट पहनना चाहिए बट हम लोग नहीं पहनते, आई एम सॉरी। और R15 मेरे दिमाग में इसलिए आई क्योंकि नहीं बताएंगे, बाद में कभी बताएंगे। यहाँ पे आपको हेयर कट करवानी है ना, इसलिए मैं सोचता था कि ट्रैक्शन कंट्रोल इज जस्ट लाइक सिर्फ जो एक्स्ट्रा पावर है वो खत्म करता है। बहुत गजब चीज है भाई, बहुत बहुत ही गजब टेक्नोलॉजी है। इस पे तो एक अलग से वीडियो बनती है और बनेगी, सीखना चाहिए आप लोगों को, समझना चाहिए कि ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे हेल्प करता है, तो डेफिनेटली बनाऊंगा। ज्यादा कुछ व्लॉग इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि आरओ था साथ में और मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है राइड करते करते व्लॉग करने का, क्योंकि जब आरओ होता है ना तो थोड़ा सा डर लगता है। सेकंड थिंग स्पोर्ट्स बाइक है और व्लॉग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत 0.1% ध्यान आपका 19-20 हो जाता है, टोटल नहीं होता है बट 0.1% होता है। और आरओ के पास हेलमेट भी नहीं था तो मुझे तो कतई रिस्क लेना नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा व्लॉग किया नहीं। Just had a fantastic workout after a long time, long time. Recover तो मैं हो चुका था टेनिस एल्बो से, और चाहे 5-6 दिन मैंने वर्कआउट किया लेकिन उसके बाद इमीडिएट मैं इंदौर चला गया और फिर वर्कआउट का 19-20, 40-50 सब हो चुका था। चीट मील के तो पूछो ही मत भाई, दिख रहा है ये फैट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फैट। आई थिंक क्रॉस कर चुका हूँ मैं 20-100%। 1.5 महीने पहले काउंट किया था फैट परसेंटेज 16-something था। ये देखो चेहरे में ना क्लियर विजिबल है, पहले एकदम लीन था, जॉ लाइन वैसे अभी भी दिखती है बट बहुत ही शार्प थी, बहुत ज़्यादा शार्प थी यार। पुराने फोटोज़ अगर मिलते तो मैं शेयर कर दूंगा, पूरी तरह से जा चुका है। बट कोई नहीं, ये होते रहना चाहिए, बॉडी को भी आदत रहनी चाहिए, बॉडी को एकदम नीट एंड क्लीन अगर आप डाइट की आदत डालोगे ना तो बॉडी बड़ी शैतान वाला काम करती है, तो बीच बीच में उसको चीट देते रहना चाहिए। और जब मैं इंदौर गया ना तो मैंने इतना मीठा खाया कि पूछो मत। पता था आने के बाद वापस से डाइट पे आना है तो सोचा खा लेते, कोई नहीं कर लेंगे।